महाराष्ट्र के नांदेड़, जहां पर के चंद्रशेखर राव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए हम 50% से आगे है। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। एक ही बात गांव में जाकर चर्चा कीजिए, आज रात में, आज में, कल में, जब आपको टाइम मिले, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ संजीदा बैठ के चर्चा उठाइए। क्या केसीआर ने आके नांदेड़ में ऐसा कहा कि ये बात सच है कि झूठ है? मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग समझते हैं बात को एक दीप से दूसरा दीप जलाए जैसा, बात को फैलाना चाहिए, समझाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। वक्त आने पर, देश को बात समझ में आने पर महापुरुषों को, महानेताओं को यूं तुत्कार दिया। देश में जब इमरजेंसी लगा, पाबंदियां लगे, लोग नायक जयप्रकाश नारायण के एक आवाज पे सारे देश एकत्रित हुए, उस समय के महान नेताओं को यूं उठा के फेंक दिए। आज वक्त आया है किसान भाइयों, बहुत हो गया इंतजार, 75 साल काफी लंबा ही समय होता है। अब तक हम हल चलाते हुए कलम किसी और के हाथ में दिए। किसानों को आज सिर्फ हल चलाना नहीं, कलम चलाना, कानून बनाना भी सीखना चाहिए। बोलने से फायदा नहीं है भाइयों, खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है, खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार। ये चेतना अगर आ गया, मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, मैं कोई अमेरिका का कहानी या किसी अन्य देश का कहानी या किसी अन्य राज्य का कहानी नहीं कहता, जो अपने महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है, भाई क्या बात है। अब एक ही बात है, जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव आने पर क्या हो रहा है, किसी न किसी पार्टी जीतता है, किसी न किसी नेता जीतता है, लेकिन जनता हारता है। अब कुछ उल्टा होना चाहिए, आगे चुनाव जब भी होगा जनता को जीतना चाहिए, वो किसानों को जीतना चाहिए, हमारे समस्याओं का वही समाधान है। हकीकत में क्या है, भारत क्या गरीब देश है? बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, राजनीति में मेरा जीवन अब तक 50 साल बीत गए।